Hello and Assalamu Alaikum. This is another episode of Digital Diary exclusively on Bright Star TV. और मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा नासिर. आज के शो में बात करेंगे टॉप थ्री न्यूज़ के बारे में फ्रॉम पाकिस्तान एंड देखते हैं कि क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर. पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 7% औरतें ही क्यों अकाउंट होल्डर्स हैं. हम बात कर रहे हैं बैंक अकाउंट्स की. पाकिस्तान के अंदर करीब 7 करोड़ बैंक अकाउंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनमें से 5 करोड़ सिर्फ मर्द हजरात के हैं और औरतों के इनमें से सिर्फ 1 करोड़ और 80 लाख. बगैर ऐसा क्यों है बात की गई जब चेयरमैन ऑफ कॉमर्स से तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे औरतों को और शोबों के अंदर भी आगे जाने से रोका जाता है वैसे ही पाकिस्तान में बैंक अकाउंट्स बनाने के लिए भी औरतों के लिए बहुत सारी मुश्किलात को का सामना करना पड़ता है. औरतों के लिए अगर तो वो कोई बिजनेस शुरू कर ही लें तो फिर बैंक में जाकर अकाउंट खुलवाना आज भी बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर मेल ऑफिसर्स बैठे होते हैं जिनके साथ उनको या तो कम्युनिकेशन में मसला होता है. ऑल्सो हमारी सोसाइटी में ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी माली मामलात के बारे में कोई भी बातचीत है या कोई फाइनेंशियल डिसीजंस हैं या फिर कोई फाइनेंशियल चीज़ों को हैंडल करना है तो उसके लिए औरतें जो हैं वो फिट नहीं हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर घर के मर्द हजरात जैसे कि भाई बाप या हस्बैंड या बेटा जाकर औरतों के लिए ये काम करते हैं. अगर कोई औरतें बिजनेस स्टार्ट कर भी लें पहले तो वो कर ही नहीं पाती हैं बिकॉज हमारी इतने सारे इशूज़ हैं सोसाइटी के अंदर. लेकिन अगर वो कर ही लें तो ज़्यादातर औरतें कम्फर्टेबल फील नहीं करती कि वो अपने खुद के बैंक अकाउंट्स खुलवाएँ जिसके बाद उनके घर के मर्द हजरात जाकर अकाउंट्स तो खुलवा लेते हैं जिसमें पैसे औरतों के बिजनेस से आते हैं. पाकिस्तान के अंदर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा इशू है जो कि काफ़ी वक्त से चलता आ रहा है. और ये बात ये नहीं कि हम लोग एक मुसलमान मुल्क हैं बिकॉज और मुसलमान मुल्कों के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये कंपैरिजन करते हुए भी पाकिस्तान के अंदर ये शरह बहुत ही ज़्यादा कम है. लेकिन इसके बारे में किया क्या जा रहा है. स्टेट बैंक का कहना है कि स्पेशल टच पॉइंट्स बनाए जाएंगे. वुमेन डेस्क बनाया जाएगा बैंक्स के अंदर जहां पर 15% औरतें काम करेंगी और वो औरतों को ज़्यादा कंफर्ट देने की कोशिश करेंगी ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके ना सिर्फ अपने बैंक अकाउंट्स को खुलवाने में बल्कि ज़्यादातर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए अगर उन्हें कोई एडवाइस चाहिए या उन्हें काउंसलिंग चाहिए तो ये वुमेन डेस्क उनकी वहाँ पर भी हेल्प करेंगे. This is a new step and a first step in a very positive direction. जो कि आगे चलते हुए हो सकता है कि पाकिस्तान की ये शरह जो है जो इतनी कम परसेंटेज है वुमेन अकाउंट होल्डर्स की तो आगे चलते हुए कुछ हद तक बेहतर हो सके. वुमेन नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज हमें आज की दुनिया के साथ चलना है. फवाद चौधरी हैज़ अनाउंस्ड दैट ही विल बी ब्रिंगिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल द गेमर्स. हम जानते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया के अंदर बूम कर रही है. हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से जहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर लोग अपने घरों के अंदर कैद होकर रह गए थे इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑफ कोर्स, ये बिज़नेस रिकॉर्ड हाई पर गया यानी कि एक साल के अंदर $10 बिलियन का बिज़नेस किया गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर. उम्मीद रखी जा रही है कि 2023 तक $200 बिलियन की ये गेमिंग इंडस्ट्री होगी जिसका मतलब है कि पाकिस्तान को भी इस बिज़नेस के अंदर जल्द से जल्द चले जाना चाहिए. फवाद चौधरी मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से ऑफिशियली गेमिंग को ई स्पोर्ट्स को इंक्लूड कर लिया गया है जिसके बाद गेमिंग को स्पोर्ट्स का ऑफिशियल टैग मिल जाएगा और इसके लिए आए दिन कोई ना कोई नई पॉलिसीज जनरेट की जाएंगी ताकि गेमर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस बिज़नेस के अंदर आने की कोशिश करें बिकॉज हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की तो बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है. तो ज़रूरी है कि अगर सही तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए इन लोगों को तो हम लोग भी इस $1 बिलियन इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं और ना सिर्फ लोगों को रोज़गार मिल सकता है बल्कि मुल्क की तरक्की भी हो सकती है. सजल अली विल बी मेकिंग हर हॉलीवुड डेब्यू. सजल अली इज़ अ वेरी रिनाउंड एक्ट्रेस इन पाकिस्तान एंड नाउ एज पर रिपोर्ट्स इट्स बीइंग टोल्ड कि वो जमाइमा गोल्डस्मिथ की प्रोड्यूस्ड एंड रिटन मूवी के अंदर काम करेंगी जिसका नाम है व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट. इट्स गोइंग टू बी अ रोमांटिक कॉमेडी मूवी जिसमें वो काम करेंगी एमा थॉम्पसन जैसे एक्टर्स के साथ जो कि ऑफकोर्स वर्ल्ड रिनाउंड है. इट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी यू गाइस. ये न्यूज़ हाल ही में सामने आई है. शेखर कपूर जो कि एलिजबेथ द गोल्डन एज के डायरेक्टर रह चुके हैं इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे जिनका आखिरी ऑफकोर्स फिल्म थी 2007 के अंदर जो रिलीज़ हुई थी जिसके लिए उन्होंने ऑस्कर भी जीता था. उसके बाद वो अब दोबारा से इस फिल्म की डायरेक्शन करेंगे. इट सीम्स लाइक अ अमेजिंग प्रोजेक्ट जिसके अंदर ऑफकोर्स हमें सजल अली देखने
देखने को मिलेंगी. शी इज सो टैलेंटेड एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हर कि वो ग्लोबल स्टेज के ऊपर पाकिस्तान के लिए काम करेंगी. रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इस मूवी की जो कहानी है वो हो सकता है कि थोड़ी सी इमरान खान एंड जुमैमा गोल्डस्मिथ की जो अपनी मैरिड लाइफ थी या अपनी जो उनकी स्टोरी थी उससे रेलेवेंट हो सकती है. लेकिन ऑफकोर्स इसमें कोई सच है या नहीं है ये हमें अभी तक नहीं पता है, और ये हमें मूवी देखने के बाद ही पता चल सकता है, या फिर अगर कन्फर्म कर दिया जाए इन लोगों की तरफ से तो शायद हमें पता चल जाए. पर ऑफकोर्स सडनली वी कैन नॉट वेट टू सी कि आपका हॉलीवुड डेब्यू कैसा जाता है. विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक. तो ये थी हमारी आज की टॉप 3 ट्रेंडिंग न्यूज़ फ्रॉम पाकिस्तान. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत ठीक हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं. ऑफकोर्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें. एंड ऑफकोर्स हम आपका फीडबैक चाहते हैं, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो कि आप हमारे शो में अगर कोई स्पेसिफिक न्यूज़ देखना चाहते हैं, कोई कंटेंट देखना चाहते हैं. लेट अस नो बिलो. अल्लाह हाफिज़.